नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, इस समाचार के प्रस्तुत करता है। गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। अब बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। असम में परिस्थिति स्वाभाविक होते ही पूर्वी रेलवे ने शुरू की अपनी ट्रेन परिसेवा। तृणमूल युवा कांग्रेस नेताओं ने अपने खून से एनआरसी व कैब के प्रतिवाद में लिखी चिट्ठी को भेजेंगे राष्ट्रपति को। उत्तरबंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से युवा कहानी स्वरूप व प्रकृति पर हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और सिलीगुड़ी में एनआरसी व कैब के विरुद्ध में एक रैली निकालकर गृह मंत्री अमित शाह का फूंका गया पुतला। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। असम में परिस्थिति स्वाभाविक होते ही पूर्वी रेलवे ने शुरू की अपनी ट्रेन परिसेवा। एनजेपी स्टेशन से कई ट्रेनें हुई असम के लिए रवाना। नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के कारण पूर्वी रेलवे ने एनजेपी से होकर असम जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया था, लेकिन असम में परिस्थिति स्वाभाविक होने के बाद मंगलवार से पुनः कई ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभाना चंद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डाउन 15670 दीमापुर गुवाहाटी नागालैंड एक्सप्रेस, 15768 अलीपुरद्वार जंक्शन सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस, 55802 गुवाहाटी न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर, 55804 गुवाहाटी ग्वालपाड़ा न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर शुरू किया जा रहा है। ये सभी डाउन ट्रेनें हैं। साथ ही पूर्वी रेलवे ने कुछ अप ट्रेनों को भी शुरू किया है। 12067 गुवाहाटी जोरहाट टाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस, 15816 डेकरागांव कामख्या एक्सप्रेस, 15769 अलीपुरद्वार जंक्शन लुमडिंग इंटरसिटी एक्सप्रेस, 15603 गुवाहाटी लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस, 15605 गुवाहाटी डिब्रूगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, 55985 रंगिया मुरकोंगसेलेक पैसेंजर, 55803 न्यू बोंगाईगांव ग्वालपाड़ा गुवाहाटी पैसेंजर को भी शुरू किया जा रहा है। एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर लोगों में कितना आतंक है, इसका नमूना आज सिलीगुड़ी में देखने को मिला। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास संलग्न आसीगढ़ मोड़ इलाके में करीब 90 लोगों ने रक्त से चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। इस चिट्ठी में देश में एनआरसी लागू नहीं करने और नागरिकता कानून को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। তার প্রতিবাদে যাতে আমাদের শান্ত বাংলা অশান্ত না হয়, আমরা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে নো এনআরসি নো সিএ যাতে আইনটা আমাদের এখানে সারা ভারতবর্ষে প্রত্যাহার করা হয়, তার প্রতিবাদে আমার যুবকর্মীরা এবং সাধারণ মানুষ অনেকে এগিয়ে এসেছেন, যার রক্ত দিয়ে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে সিগন্যাল দিচ্ছে। কোচবিহার মে জিন্দা বম মিলনে সে মচি সনসনি, মামলে কি যাঁচ মে জুটি পুলিশ। कूचबिहार के तूफानगंज 12 नंबर वार्ड सुकांत सारणी इलाके में स्थित एक मैदान में स्थानीय महादेव मंडल नामक एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस बम को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बम को अपने साथ ले गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में लगी है कि एक जिंदा बम इस मैदान तक आखिर पहुंचा कैसे। प्लास्टिक টান দেওয়ার পর একটু ওজন লাগতেছে, ওজন লাগার পরে তারপরে দেখি তারপর মনে একটু সন্দেহ হলো। সন্দেহ হওয়ার পর তো একটা জিনিস তুলে আমি উঠিয়েছি, উঠাবার পরে দেখি ওজন লাগে, ওজন লাগার পরে আবার ওখানে আস্তে করে নামিয়ে রেখে দিয়েছি। নামিয়ে রাখার পরে রাখার পরে সবাইকে খবর টবর দেওয়া হলো বা পুলিশকে খবর দেওয়া হলো, ওনারা এসে বলতেছিল যে এটা বোম বলে নিয়ে চলে গেলো আর কি, বালতি দিয়ে করে জল দিয়ে ওনারা নিয়ে। কিসের মধ্যে ছিল বোমগুলো? पूर्व तानाशाह व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने राजद्रोह मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की 3 सदस्य वाली पीठ ने की है।
मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 में यह लंबित चल रहा था। दिसंबर 2013 में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर को अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे। अपीलीय मंच पर याचिकाओं के कारण पूर्व सैनिक शासकों के मुकदमे में देरी हुई और वहां शीर्ष अदालत और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च 2016 में पाकिस्तान से बाहर चले गए। इससे पहले 3 जजों की बेंच ने बयान जारी कर कहा था कि देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। एनजेपी स्टेशन में फंसे पर्यटकों से मिले राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। एनबीएसटीसी के बसों के माध्यम से पर्यटकों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का किया वादा। एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर विभिन्न रेलवे स्टेशन में काफी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है। सिलीगुड़ी के एनजेपी स्टेशन से गुजरने वाले विभिन्न ट्रेनों को भी संभावित खतरे के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों में मुख्य रूप से कोलकाता जाने वाली ट्रेनें शामिल है। इधर ट्रेनों के रद्द होने से काफी संख्या में पर्यटक प्लेटफॉर्म पर फंसे हैं। राज्य सरकार की ओर से इन यात्रियों को बसों के जरिए कोलकाता पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव मंगलवार को एनजेपी स्टेशन पहुंचकर यहां फंसे पर्यटकों से मुलाकात किए। गौतम देव ने उन्हें सरकार की ओर से पूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनजेपी स्टेशन में फंसे पर्यटकों को एनबीएसटीसी की बसों से कोलकाता पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पर्यटकों से कहा सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने के लिए वे बसों का सामान्य किराया ही अदा करें, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त किराया देने की आवश्यकता नहीं है। প্রচেষ্টা নিচ্ছি, গতকালও প্যাসেঞ্জারদের পাঠিয়েছি, এনবিসিসি বাসে পাঠিয়েছি, কিছু বাস আমরা নিজেরা অ্যারেঞ্জ করে পাঠিয়েছি। আজকেও কালকে রাত্রেবেলাও আমার সাথে ম্যাজিক ডাক্তারের কথা হয়েছে, আজকে সকালে কথা হয়েছে। আমরা যতগুলো সম্ভব গাড়ি আমরা প্রোভাইড করছি এবং এদের কলকাতার দিকে আমরা রওনা করিয়ে দেবো। দুপুরবেলা খাবার দাবার অ্যারেঞ্জমেন্টও আমরা করছি, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ওরা সমস্ত ব্যবস্থা করছে। আমরা গতকালও আমাদের জেলা সভাপতি, আমাদের আইনটিউসির লিডার, তারা সবাই মিলে বিষয়টা দেখেছে, আমি নিজেও মনিটরিং করেছি, আজকেও করছি। কারো এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। স্বভাবতভাবেই ট্রেন ক্যান্সেল, ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল, রিজার্ভেশন ছিল অনেক দিনে, মানুষ অসুবিধায় পড়ছে। কিন্তু আমরা নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট সহযোগিতা করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আছে যে মানুষের এই অসুবিধার সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, আমি তার জন্যই এসেছি। আমরা তাদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के प्रायोजन में उत्तरबंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हिंदी विभाग के सभागार में किया गया, जिसका विषय था युवा कहानी, स्वरूप और प्रकृति। इस अवसर पर उपस्थित थे उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर दिलीप कुमार सरकार के साथ विभाग की प्रोफेसर मनीषा झा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज विश्वकर्मा के अलावा जयगांव ननी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पटेल के साथ अन्य विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी मौजूद रहे। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी प्रोफेसर मनीषा झा ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के प्रायोजन में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उत्तरबंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर दिलीप कुमार सरकार। इसके अलावा उपस्थित रही हिंदी विभाग की प्रोफेसर मनीषा झा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज विश्वकर्मा व ननी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पटेल के साथ अन्य विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्राध्यापक गण भी। इसके अलावा उपस्थित रहे सिलीगुड़ी के जाने माने साहित्यकार भी। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी विभाग की प्रोफेसर मनीषा झा ने। आज हिंदी विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई है और ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है। इस संगोष्ठी का विषय है युवा कहानी, स्वरूप और प्रकृति।
यह जो विषय है संगोष्ठी में आज व्यापक रूप से विचार विमर्श की मांग करता है, क्योंकि युवा कहानी से साधारणतः जो है भूमंडलीकरण और उदारीकरण के समय से जो कहानियां शुरू हुई, यानी समय को देखने का जो नया नज़रिया युवा पीढ़ी द्वारा सामने आया कहानी में, उस पर विचार विमर्श होगा। तो मुख्य रूप से 1994-95 से शुरू हुई आज तक चल रही युवा पीढ़ियों द्वारा लिखी कहानी पर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट के ग्योरंग गिंडा चाय बागान में मंगलवार सुबह तेंदुए के हमले से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह चाय बागान के श्रमिक लक्ष्मण प्रजा की 19 वर्षीय बेटी गीता प्रजा वहां जलावन के लिए लकड़ी संग्रह करने जंगल गई थी, तभी एक तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। तेंदुए ने गीता के गले को अपने मुंह में दबाकर खींचते हुए उसे चाय बागान के भीतर ले गया। घटना के बाद आसपास के लोग उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद तुलसीपाड़ा चाय बागान में उसका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोग काफी आतंकित हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर महीने में गैरगोंडा चाय बागान में एक तेंदुए ने मां की गोद से उसका बच्चा झपटकर जंगल ले गया था। स्थानीय लोगों ने विभाग से तेंदुए के हमले रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की है। सिलीगुड़ी क्रिश्चियन शिशु विद्यातन स्कूल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर दीनबंधु मंच के राम किंकर हॉल में आगामी 29 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रधान शिक्षयित्री रंजना घोष एवं परिचालन मंडली अन्यतम सदस्य एवं যে পাঁচজন আমরা এই স্কুলটা 1979 সালে যে পাঁচজন শুরু করেছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য অধ্যাপক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর আমার প্রধান শিক্ষিকা রঞ্জনা ঘোষ, আর যারা আছে সবাই কিন্তু গভর্নিং বডি মেম্বার পরিচালক মন্ডলী। তো সেই সময় আমরা অনুভব করেছিলাম যে এখানে একটা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাটাই মানুষ উত্তর জীবনে মানুষের শিক্ষার সোপান, এগিয়ে চলার একটা ইয়ে। এবং যার ফলও আমরা পেয়েছি, যার প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্তরে আমাদের সেই সময় থেকে আজকে 40 বছর ধরে যে সমস্ত ছাত্র এখানে তৈরি হয়েছে তারা বিভিন্ন কর্মধারায় যুক্ত হয়েছে এবং তারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফিলহাল আমি ব্রেক লে রহে হ্যাঁ, আপ বনে রহিয়ে এসকে লাইভ কে সাথ, হাম লৌটতে হ্যায় ইস ছোটে সে ব্রেক কে বাদ। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसके लाइव में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दार्जिलिंग जिला यूथ कांग्रेस की ओर से एनआरसी व कैब के विरोध में एक रैली निकालकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। यह रैली सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से निकाली गई, जो एरमू मोड़ होते हुए वापस वेनस मोड़ पर जाकर समाप्त हो गई। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस के राज्य स्तरीय सचिव प्रशांत सिंघल ने। মোদী অমিত শাহর খুশপুতুল আমরা দাহ করেছি, আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এই রাজ্যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, কারণ সংবিধানের 14 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষ সবার বসবাসের যোগ্য, এবং সেই সংবিধানের গলাকে টিপে যে সিএএ আনা হয়েছে, যে সেটা সেখানে হিন্দুর কথা বলা হয়েছে, সেখানে পার্শিকের কথা বলা হয়েছে, খ্রিস্টানের কথা বলা হয়েছে, সর্বধর্মের কথা বলা হয়েছে, সর্বজাতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সেখানে মুসলিমদের কথা বলা হয়নি। এটা একটা ধর্ম বিদ্বেষী ভাব, এবং সাথে সাথে এই বিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, কিছু লোক যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। जलपाईगुड़ी में आज मंगलवार को अखिल भारतीय कृषक सभा जलपाईगुड़ी मंडल घाट अंचल फंदाई पाड़ा शाखा कमेटी की एक सभा हुई। इस सभा में कृषकों के हित से जुड़े मुद्दे पर नेताओं ने वक्तव्य रखा, साथ ही एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार की नीतियों की इस सभा में आलोचना की गई। इसके अलावा 8 जनवरी को बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया है। सभा के दौरान नई कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में क्रमशः रमेश राय, योगेंद्र सेन और साइनूर आलम को पदभार दिया गया है। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर TC सुशील कुमार ने LIC के ईस्टर्न जोन के उम्दा परफॉर्मेंस की सराहना की है। मंगलवार को सिलीगुड़ी में आयोजित LIC के ईस्टर्न जोन के जोनल एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे कुमार ने न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज में राष्ट्रीय स्तर से भी अव्वल प्रदर्शन के लिए इस ईस्टर्न जोन की काफी प्रशंसा की है। बोर्ड मीटिंग में ईस्टर्न जोन के राज्य पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के LIC के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के पहले वर्ष में LIC के प्रीमियम का कलेक्शन 5,550 करोड़ पार कर चुका है। उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर की अन्य इंश्योरेंस कंपनी जहां मार्केट शेयर में 72% व पॉलिसी में 84.82% उछाल हासिल कर पाई है, वहीं LIC ने रिकॉर्ड 137.87% का ग्रोथ हासिल किया है। उन्होंने कहा 30 नवंबर तक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 169 लाख करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। इसमें LIC ने 1.20 लाख करोड़ कमाए हैं। To the person who joins as RCA, the rural career agent, and plus he gets commission also on that. And likewise for urban, for cities also we have a scheme of UCA, urban career agent, where he gets around 5,000 rupees per month. And then when we have city career agent, so many beautiful schemes are there for our younger people. And we have quite a good number of rural career agents, more than 6,000 rural career agents we have. Who are earning good commission and money. As far as our profile of the zone is concerned, it's a zone with a target of 37,50,000 policies. And we are presently serving 3.71 crores policyholders. And which we are adding every year, some addition is taking place. So our customer base is increasing. Our premium is around 5,700 crores of premium we have already collected. And the eastern zone, which consists of, I already told, 12 divisions, but it occupies number 2 position in the country as far as number of policies is concerned. And in budget achievement also, our position is already number 1. Performance for the year from especially for November, and also Dinesh spoke about from 1st April to November 30th. Let me just give a national perspective on what is happening in the Life Insurance Corporation of India.
Mr. Bhutia spoke about his division. Mr. Dinesh spoke about the eastern zone where he is representing as a zonal manager. And I come from central office, so I thought I'll have a national perspective. If you speak about LIC, there are two, three things which are very important. One is the size of LIC, the scale of operation, the significance of the corporation, and also the share which holds in the market. Now, if you look at the size, the most important point is there are 29 crore policyholders in Life Insurance Corporation of India as of today. But that means if you are about 120 crore as the population, every fourth person you meet on the road on an average is an LIC customer. I think that speaks quite a lot about LIC's importance in the average Indian's life. We also have a total assets which is more than 31 lakh crores Indian rupees. So that's the size of LIC. We have about 11.8 lakh agents, more than 4,000 touch points like branch, and we also have satellite offices, about 30,000-35,000 premium points where customer can walk in and pay the premium. अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज वल्चर ब्रीडिंग सेंटर से लाए गए हिमालयन ग्रिफिन प्रजाति के 6 गिद्धों को वन मंत्री राजीव बंदोपाध्याय के उपस्थिति में अलीपुरद्वार जिले के बक्सा व्याघ्र परियोजना स्थित 22 माइल स्थित कोर क्षेत्र में छोड़ दिया गया। सुबह करीब 10 बजे वन मंत्री राजीव बंदोपाध्याय स्वयं कोर 22 माइल स्थित टावर में पहुंचे थे और उनके साथ ही बक्सा व्याघ्र प्रकल्प के फील्ड डायरेक्टर शुभंकर सेन गुप्ता, PCCF उत्तर बंगाल उज्जवल घोष, DFD कल्याण राय, BNHS प्रतिनिधि विभू प्रकाश एवं सचिन रानाडे आदि उपस्थित रहे थे। गीत को छोड़ने के बाद वन मंत्री राजीव बंदोपाध्याय ने बताया कि आज लगभग 15 साल की तपस्या सफल हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे परिवेश से अचानक गिद्ध विलुप्त हो गए थे और बक्सा व्याघ्र प्रकल्प के द्वारा 4 प्रजातियों के गिद्ध को विलुप्त होने से बचाया गया था, जिसका फलस्वरूप आज हमें देखने को मिला। इसमें उन्होंने हिमालयन प्रजाति के 6 गिद्धों को छोड़े जाने की भी जानकारी दी। मने कर देख केंद्रीय सरकार राज्य सरकार संगे कौन सहयोगा कर आगे बहुबार बोले साथ वंचना बहुबार तुले धरे हमार मन सामान मैं जेखने जेटुकु हेटे और केंद्रीय सरकार विभिन्न जो दफ्तर ता से ही सूचगे और मानुष के विपदे फेला चक्रांत कर गंडगोल अशांति যেটা হচ্ছে কিছুটা তো প্ররোচনায় আছে, কিছুটা তো কেউ কেউ উস্কানি দিচ্ছে, কেউ কেউ চাইছে যাতে রাজ্য সরকারকে বিপদে ফেলা যায়, কেউ কেউ চাইছে তৃণমূল দলকে কি করে বিপাকে ফেলা যায়, কিন্তু কারোর সেই চেষ্টা সফল হবে না, ব্যর্থ হবে। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এইগুলো করার চেষ্টা করছে, আমরা সেগুলো চিহ্নিত করছি, ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং তার সঙ্গে আপনারা জানেন যে বিজেপি শাসিত এবং ন্যাচারালি কেন্দ্রের যে সরকার রয়েছে তারাও এই রাজ্যকে বিপাকে ফেলার জন্য সুপ্তভাবে বলুন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তারা একটা এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্লিয়ার কাট বলে দিয়েছেন CAA NRC কোনোটাই রাজ্য হবে না। রাজ্য সরকার যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে, ততদিন আমরা এই রাজ্যে CAA বা NRC কোনোটাই হতে দেবো না। এটা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত, এটা নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। জলপাইগুড়ি মে আগ্নেয়াস্ত্র কে সাথ 4 গ্রেফতার, অত্যাধুনিক পিস্তল, 2 রাউন্ড কার্তুস সহিত অন্য হাতিয়ার কিয়ে গয়ে হ্যায় বরামদ। সভি কো মঙ্গলবার কো আদালত মে পেশ কিয়া গয়া। কোতওয়ালি থানে কে পুলিশ নে সোমবার দেরা জলপাইগুড়ি 2 নম্বর ঘুমটি এলাকে মে অভিযান চলাকর অগ্নিয়াস্ত্র কে সাথ 4 বদমাশ গ্রেফতার কিয়া। পুলিশ নে বতায়া কি ইয়ে সভি কুখ্যাত অপরাধী হ্যায়। ইন সব কে খিলাফ কই আপরাধিক ক্রিয়াকলাপো মে লিপ্ত হোনে কা আরোপ হ্যায়। আরোপিও মে শুভজিত উর্ফ নারু কা খিলাফ মোটরসাইকেল চোরি কা আরোপ হ্যায়। পুলিশ সূত্র কে অনুসার আরোপিও কে পাস সে এক অত্যাধুনিক পিস্তল, 2 রাউন্ড কার্তুস, চাকু সমেত অন্য ধারদার হাতিয়ার বরামদ কিয়ে গয়ে হ্যায়। इन सभी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। NRC व कैब को केंद्र कर पूरे बंगाल में अभी तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी को केंद्र कर NJP रेलवे स्टेशन परिसर में केंद्रीय बलों की चहलकदमी देखने को मिली, जिससे वे किसी भी तरह की स्थिति से निपट सकें। आगामी 22 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है मिलन मोर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। पिछले वर्ष इस टूर्नामेंट के विजेता टीम को 1,00,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दिया गया था, लेकिन इस बार प्राइज मनी दोगुनी कर दी गई है। विजेता टीम को 2,00,000 और उपविजेता टीम को 1,00,000 का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी
पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। मिलन मोड़ गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आगामी 22 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है। ये फाइनल 12 तारीख जनवरी 2020 में संपन्न होगा और इसमें 18 दल इसमें आ रहे हैं, वो भाग लेंगे। और ओपनिंग मैच हमारा ये हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब दार्जिलिंग और डुअर्स फुटबॉल एकेडमी के माझ में संपन्न होगा। ये खेल सिलीगुड़ी के सम्माननीय एसडीओ सर जो समांत सहाय महाशय आईएएस वो शुरू ओपनिंग करेंगे और इसमें विशिष्ट अतिथि हिसाब से हमारे सिलीगुड़ी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब सोनाम ओंगदी भुटिया सब रहेंगे। अब तक ले इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ यानी एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।